नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे कि कच्चा तेल जो लगातार तेजी दिखा रहा था वो अचानक से क्यों मुड़ गया, क्यों ऊपरी स्तरों से गिर गया, वहीं सोने और चांदी की चाल क्यों सुस्त पड़ी। सब ये सब जानेंगे हम आज इस बुलेटिन में। सबसे पहले बात करें सोने और चांदी की, तो सोने और चांदी के अंदर आज ऊपरी स्तरों से बिकवाली देखने को मिल रही है, या फिर यूं कहें कि कल के कारोबारी सत्र के मुकाबले आज एक सीमित दायरे में सोना फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल सोने के अंदर जो सुस्ती देखने को मिल रही है, क्योंकि विदेशी बाजारों में यूएस पेरोल का डाटा रिलीज होना है, तो इन सब और उधर से फेडरल रिजर्व की भी क्यूज निकल कर आने हैं, तो इन सब फैक्टर्स के चलते सोना फिलहाल सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सोने के अंदर इन स्तरों पर खरीदार एक बार दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि कल फेड का भी मिनट्स निकल कर आएंगे और उसके बाद सोने की चाल तय होती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल सोने और चांदी के अंदर आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी एक सीमित दायरे में फिलहाल कारोबार देखने को मिल सकता है। घरेलू बाजारों की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि सोना 46,000 से लेकर 47,000 के घरों में कारोबार करता दिखाई दे रहा है। आज भी बाजारों के अंदर 46,800 के आसपास सोने के अंदर कारोबार देखने को मिल रहा है, तो माना जा रहा है कि आज भी इंट्राडे में 46,800 से लेकर 47,000 के बीच में कारोबार देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा फिलहाल बाजारों के अंदर कोई मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। सेम एज इट इज अगर चांदी की बात करें तो निचले स्तरों से चांदी में जरूर खरीदारी लौटी है। 60,000 के नीचे कारोबार करने वाली चांदी आज 61,000 के ऊपर पहुंच चुकी है और आज भी 61,000 के ऊपर ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में चांदी काफी मजबूती के साथ आगे होल्ड हो सकती है। जिस तरीके से सोने में गिरावट देखने को मिली है, उतनी ही गिरावट हमें चांदी में नहीं देखने को मिली, तो यहां से उम्मीद की जा रही है कि चांदी फिलहाल यहां से संभलती हुई दिखाई दे सकती है और सोने के अवज में चांदी के अंदर अब ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसीलिए सोने और चांदी के अंदर थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी लेकर निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। अगर कल यूएस के फेड के जो मिनट्स निकल कर आते हैं और उससे अगर डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ मिलती है तो गोल्ड गिर सकता है। अगर डॉलर के अंदर वीकनेस आई तो वहां से सोने को एक सपोर्ट मिलता हुआ वापिस से दिखाई दे सकता है और सोने के अंदर तेजी बन सकती है। वैसे भी देखा जाए तो घरेलू बाजारों के अंदर त्योहारी सीजन शुरू हो चुके हैं। आज नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, उसके बाद दशहरा है, दिवाली है, तो आगे चलकर धनतेरस है, तो इन सब त्योहारों के मद्देनजर सोने की डिमांड भारतीय बाजारों में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। विदेशी बाजारों में सुस्ती का माहौल रह सकता है, जबकि घरेलू बाजारों के अंदर सोने की कीमतों में उठाव आना मुमकिन है, तो इसलिए निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। सोना 46,800 46,600 की रेंज में भी खरीदारी की जा सकती है दिसंबर वायदा में। ऊपर में माना जा रहा है कि 47,200 से लेकर हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 48,000 के ऊपर भी सोना जाता हुआ दिखाई दे। वहीं चांदी की बात करें तो 65,000 के स्तरों के लिए चांदी के अंदर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। उसके बाद सोने और चांदी के बाद अगर हम नजर डालें कच्चे तेल के ऊपर, तो कच्चा तेल अपने ऊपरी स्तरों से फिसल चुका है। $78 के ऊपर WTI कारोबार करने वाला $76 पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। आज विदेशी बाजारों के अंदर 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड भी ऊपरी स्तरों से लुढ़का है और $80 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर घरेलू बाजारों की बात करें तो घरेलू बाजारों में भी कच्चे तेल के अंदर फिसलन देखने को मिली है। लगभग 1.5% के आसपास बाजार ऊपरी स्तरों से लुढ़क चुका है। 5800 के नीचे फिलहाल कच्चा तेल कारोबार करता दिखाई दे रहा है और 5700 के आसपास इसके अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। दरअसल कच्चे तेल के अंदर जो गिरावट आई है, यूएस के अंदर इन्वेंट्रीज बढ़ी है, जिसका इंपैक्ट हमें कच्चे तेल की कीमतों के ऊपर देखने को मिल रहा है और कच्चा तेल अपने ऊपरी स्तरों से लुढ़क गया है। यूएस के अंदर स्टॉक बढ़ने के चलते कच्चे तेल के अंदर गिरावट बढ़ी है और यूएस के अंदर इन्वेंट्रीज जो है 2.3 मिलियन बैरल से बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से कच्चे तेल के ऊपर प्रेशर आया है और बाजार ऊपरी स्तरों से लुढ़क गया है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है कच्चे तेल के अंदर। घरेलू बाजारों में आज इंट्राडे में गिरावट गहरा सकती है और हो सकता है कि $75 के आसपास विदेशी बाजारों में कच्चा तेल और घरेलू बाजारों में 5680 तक लुढ़क जाए, लेकिन ओवरऑल अभी भी बाजारों के अंदर स्ट्रेंथ है और जिस तरीके से ग्रेजुअली प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की गई है ओपेक देशों की तरफ से, तो वो एक काफी पॉजिटिव जो है मोमेंटम कच्चे तेल को देता हुआ दिखाई दे सकता है। कच्चे तेल को वहां से एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई
दे सकता है। तो फिलहाल कच्चे तेल के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से लेकर चला जा सकता है और इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से कच्चे तेल में फिलहाल के लिए बिकवाली की रणनीति आज बनाई जा सकती है, क्योंकि यूएस में इन्वेंट्री बढ़ने का दबाव जो है वो कच्चे तेल के ऊपर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स के अंदर भी जो कल गिरावट दिखा रहे थे बेस मेटल, आज उनमें भी वापस से सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। कॉपर हमेशा की तरह 700 के लेवल को होल्ड किए हुए हैं और आज भी कॉपर 700 के ऊपर है और आज आधे फीसद की तेजी के साथ कल के कारोबारी सत्र के मुकाबले आज ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल कॉपर के अंदर 716-718 की रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। सेम एज इट इज नीचे की तरफ 700 का लेवल जब तक होल्ड है तब तक कॉपर के अंदर गिरावट की रणनीति नहीं होनी चाहिए, कॉपर के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए। कॉपर के बाद अगर बात करें निकल की, निकल भी जो 1400 के नीचे लुढ़क गया था उसमें भी वापस से बाउंस बैक आया और 1410 के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है। अब ऊपर में जो निकल की रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है 1420 का अगर ब्रेक होता है तो 1440 तक ऊपर जा सकता है, नीचे में 1380 है सपोर्ट लेवल, 1380 से लेकर 1420 तक इसमें ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें अगर बेस मेटल्स के अंदर जिंक की, जिंक ने पीछे काफी अच्छा परफॉर्म किया है और अभी भी जिंक जो है 256 पर कारोबार करती दिखाई दे रही है, यहां से 258 से 260 के स्तर जिंक में एक बार फिर से आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है, बेस मेटल की चाइना से अच्छी खासी डिमांड निकलती हुई दिखाई दे रही है, बेस मेटल्स के अंदर कोई बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। हर निचले स्तर पर बेस मेटल के अंदर भी खरीदारी की रणनीति लेकर चला जा सकता है। फिलहाल के लिए कॉपर के अंदर बाइंग किया जा सकता है, कॉपर के साथ साथ मुझे लगता है कि निकल और जिंक ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो जिंक अभी 260 तक ऊपर जा सकता है। जिंक के साथ साथ अगर बात की जाए निकल की, तो निकल में भी 1420 के बाद 1440 तक का ऊपरी स्तर हो सकता है, अगर 1380 के सपोर्ट को होल्ड किए रहता है मार्केट तो 1440 तक ऊपर जा सकता है। वहीं आज अगर नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर आज इंट्राडे में बात करें कि किस कमोडिटी के अंदर आज मुनाफा देखने को मिल सकता है, तो मुझे लगता है कि आज क्रूड के अंदर बिकवाली हो सकती है, हावी क्रूड 5680 तक नीचे लुढ़क सकता है। वहीं सोने की बात करें तो सोने के अंदर भी गिरावट जो है वो 46800 से लेकर 46780 तक नीचे जा सकती है और चांदी आज अच्छी लग रही है, चांदी के अंदर खरीदारी की जा सकती है, 61500 के टारगेट चांदी के अंदर देखने को मिल सकते हैं।